हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल राठौर। और लास्ट लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया था कि प्रीपोजिशन क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, जिसमें हमने यूज़ ऑफ इन को देखा था और उसके डिफरेंसेस को समझा था। देखिए, अब नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो आपके सामने है, एट। देखते हैं एट का कहाँ कहाँ हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होता है, किन सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट वन इज एट द यूज़ इन द एग्जैक्ट टाइम। जहाँ पर एक परफेक्ट टाइम की बात की जाती है, वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, द ट्रेन विल स्टार्ट एट 7:45 PM, यानी कि ट्रेन 7:45 पर स्टार्ट होगी। शाम को PM दे रखा है प्राइम मेरिडियन, तो ट्रेन शाम को 7:45 पर स्टार्ट होगी, यानी यहाँ पर एक एग्जैक्ट टाइम की बात की गई है। जैसे आई वोकअप 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठा। तो इस तरह से हम परफेक्ट टाइम की बात करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द मतलब और कहाँ पर एट का यूज़ किया जा सकता है। तो सेकंड वन इज एट द यूज इन एज। जब किसी की एज डिफाइन की जाती है, किसी की एज बताई जाती है, तो हम एट का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ही डिड एट एज ऑफ 40, यानी उसकी मृत्यु 40 साल की उम्र में हुई। यानी कि यहाँ पर एक एज परफेक्टली आपको डिफाइन की गई है कि 40 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो यहाँ एज के दौरान भी आप एट का यूज़ करेंगे। एंड थर्ड वन इज एट यूज इन द प्राइस रेट एंड स्पीड। यानी किसी भी व्यक्ति के अगर कोई चीज़ खरीदता है, किसी चीज़ की दर पूछता है, या कोई स्पीड में कोई कार चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो उनको भी हम एट के द्वारा डिफाइन करेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे फर्स्ट वन इज राइस सेल्स एट ₹40 पर kg, यानी चावल ₹40 प्रति किलो बिकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ₹40 एक परफेक्ट दर दे रखी है इसकी, तो यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे। एंड सेकेंड वन इज आई गोट दिस बुक एट ₹170, मैंने यह किताब ₹170 में प्राप्त की है, ठीक है। यह किताब मैंने ₹170 में प्राप्त की है, तो यहाँ पर आपने यहाँ इसकी कीमत बताई है, तो ये भी एट का यूज़ किया गया इसके अंदर। एंड थर्ड वन इज़ आपको बिल्कुल क्लियर है, ही ड्राइव्स हिज कार एट 80 kg/h। यानी यहाँ पर भी आपको बिल्कुल डिफाइन हो रहा है कि वह अपनी कार 80 km/h की रफ्तार से चलाता है। तो यहाँ पर भी एट को डिफाइन किया गया है, यानी इस 80 km/h को डिफाइन किया गया है किसके द्वारा, एट के द्वारा। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है आपके सामने कि एट के ये तीन तरह के प्रयोग होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग आपको डिफरेंशिएट बताए गए हैं। तो थैंक यू सो मच, और निरंतर आप वीडियो प्राप्त करें, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को पहुँचाएँ जिनको इन प्रीपोजिशन की बहुत खास ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच, एंड मीट यू सू अगेन टुमारो।